नील और आप देख रहे हैं टीआरसी टेक। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। हमने देखा था कि डिस्प्ले नहीं आ रहा था, मैंने बायोस फ्लैश किया, इसके बाद से कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ गई है, ऑन करके देखते हैं, लेकिन इसमें वीजीए से आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये डेल 3800 MIH81R का मदरबोर्ड है और इस पे हमारा डिस्प्ले भी आ जाएगा कीबोर्ड पे, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस इशू को हमने कैसे फिक्स किया वह अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे करेंगे तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पे आ चुका है नंबर लॉक, एलईडी ग्लो कर रही है। ठीक है, और यहाँ से निकालता हूँ तो ये बंद भी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से प्रेस किया और यहाँ से कीबोर्ड निकाला, बंद, फिर लगाया तो चालू। ओके, अब इसको हम करते हैं बंद। ठीक है, अब दो हमने कंपोनेंट लाया है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है मिसिंग है, तो हम इसे चेंज करके देखेंगे और रिपेयर भी करेंगे साथ साथ भी। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में हमारे और देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिपेयरिंग के लिए तो आप वीडियो देख ही सकते हैं, बिल्कुल नहीं भी हैं तो भी देखिए यार, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो अब हम करते हैं इसमें थोड़ा सा पेस्ट। तो यहाँ से हमने निकाला, थोड़ा सा पेस्ट को इसको लगाया। ओके, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरी बैटरी ड्रेन हो चुकी है बिल्कुल। अब क्या कौन से पॉइंट को रिपेयर करना है, देखिए ये जो पॉइंट है ये है बिल्कुल ओके पॉइंट, ये यहाँ पे जो वीजीए से आउटपुट जाता है इसे एलडीओ बोलते हैं। ओके, तो हम लगाएंगे इधर से, यहाँ पे दो है कंपोनेंट और यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, तो इसमें जहाँ पे वाइट पट्टी बनी होगी उधर ये कंपोनेंट लगेगा और जिधर नहीं बनी होगी उधर ये नहीं लगेगा। ठीक है, हम बदल के लगाएंगे। तो फिलहाल निकालते हैं, शुरुआत करते हैं इस कंपोनेंट को लगाने की प्रक्रिया। ओके, तो सबसे पहले फटाफट निकालते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, नहीं तो बैटरी भी ड्रेन हो जाएगी और वीडियो भी नहीं बन पाएगा। तो डोनर बोर्ड से हम निकालेंगे सिंपली और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा और उसके बाद से एक अपोजिट लगाना होगा। ओके, ये हमारा लग चुका, अब इसको घुमा लेते हैं जिधर से, इसको आसानी से निकालें और वहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हो गया, तो हमें कंपोनेंट को नहीं तो बारीकी से देखना पड़ेगा, हमारा भी समय खराब हो सकता है और आपका भी तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर प्लेस हो चुका 100% और इसको हटाते हैं, थोड़ा सा शोल्डर करते हैं, थोड़ा सा इसलिए चेक करते हैं। आउटपुट ओके, तो ऑन हो जा
ऑन हो गया मदरबोर्ड, और डिस्प्ले देखते हैं इस साइड में आएगी डिस्प्ले, आना होगा तो ठीक है। तो कीबोर्ड पे अभी तक आया नहीं, तो वेट करते हैं थोड़ी सी, तो आना चाहिए। तो कीबोर्ड पे तो आ चुका लेकिन अभी स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा कुछ और फॉल्ट हो, तो इसे हम बारीकी से चेक करेंगे अभी, तो देखते हैं। जो कंपोनेंट मिसिंग था हमने उसे लगा दिया है। दोस्तों एक सोल्यूशन है इसका कि हम एक बार इसमें वीजीए कन्वर्टर HDMI टू वीजीए कन्वर्टर हम लगा के देखेंगे, इस पर डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है ये पता चल जाएगा खुद ही। तो हमने लगाया इस पर, ये रैम का एरर दिखा रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी आगे बढ़ चुका है, 1D आ गया। ओके अब हम करते हैं एक बार रीसेट, बंद करके चालू करते हैं जरा। अब ऑन करते हैं यहाँ से, अब देखते हैं। तो ये कन्वर्टर हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, 1D पे आके अटक गया, ठीक है, रुक गया। तो हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो या प्रोसेसर ओवर हीट होगा, तो इसके कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो रैम तो हमने यही लगाया था, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इससे रैम पे। बट अब हम एक बार और उसको रेंज कर कर देखते हैं। अभी भी रैम का एरर दे रहा है। ओके तो अब रैम का एरर देने लगा, तो एक बार हम करेंगे इसे चेंज। एक बार अच्छे से ट्राई कर कर देखो, चल जाता है ठीक है। नहीं कह देना भैया, देखो इसका मदरबोर्ड आएगा, मदरबोर्ड में कुछ तुम कर लेना और पैसे होंगे मैं देख लूंगा भैया। ठीक है अब 1D पे अटक गया, तो इस पे डिस्प्ले नहीं आने वाला। अब 80 पे आया वो रन, अब रैम पे आ चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया, कन्वर्टर का हमने यूज़ करा उसके जगह, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। ये देखिए कन्वर्टर लगा के फैन आ रहा, कीबोर्ड में भी हमारा डिस्प्ले आ गया। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक सोल्यूशन हमारा JT सोल्यूशन है, तो इसका आप देख सकते हैं। बायोस करने के बाद हमारा डिस्प्ले आ गया था, पार्ट 1 जाके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।